उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथनों का सही चयन कीजिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे। कहता है चीनी उद्योग जो भारत में है, समझ गए, इसके बारे में आप सही कथन का क्या कीजिए, चयन कीजिए। कहता है यह वजन कम करने वाला उद्योग है, ये बात हो। देखिए गन्ना, देखिए आप गन्ना को अगर आप 10 दिन रख दे तो सूखने जाएगा, सूखेगा नहीं, और उसका पानी गाय तो उसका वजन कम नहीं होगा है। हम कहते हैं वजन कम करने वाला नहीं, आपका चीनी उद्योग सोच रहे चीनी नहीं घटेगा, चीनी पे मत जाइए आप, पूरा का पूरा चीनी उद्योग को समेटिए। तो सबसे पहले खेत से गन्ना, तो गन्ना को काट के जैसे गाड़ी पे ला दिएगा, 2-4 दिन ट्रक आपका अगर रास्ते में फंस गया, पता चला आधा गन्ना आपका गाय वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वजन कम करने वाला उद्योग है, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक रूप में उभरा है, बिल्कुल सही उभरा है। सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन, गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश, लेकिन अभी सबसे ज्यादा डेवलप कौन कर रहा है, महाराष्ट्र। कह नहीं रहा है कि महाराष्ट्र आगे है, लेकिन कह रहा है कि डेवलपमेंट यानी ज्यादा विकास कर रहा है चीनी उद्योग में कौन, महाराष्ट्र। ये बिल्कुल सही आगे आइए, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपका क्या है गलत, समझ गए, ये आपका क्या है गलत है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, उपर्युक्त में एक से अधिक, दो आया नहीं स्टेटमेंट सही जी, एक गलत बात, एक से अधिक है कि नहीं, एक से अधिक ना है तो सही है, समझे, एक से अधिक है ना, हाँ दिमाग खुला रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला कहता है ग्रीष्म काल के अंत में है, ग्रीष्म काल के अंत में पूर्व मानसून, आप लोग ये देखे होंगे जैसे ही वर्षा के समय से पहले आंधी तूफान आता था, जिससे आम गिर जाता है, आम गिरता है ना, आम गिर जाता है, तो उसी को बोलते हैं ग्रीष्म काल के पूर्व, मतलब अभी का जो मानसून आया इससे पहले जो आपका शुरुआत में जब आम सब फलता है, देखिएगा जब खेत में आम के पौधा में छोटा छोटा आम रहता है, एकदम पूरा आंधी आएगा पूरा गिरा उड़ा देता है, सब चीज गिराता है ना, तो वही कहता है ग्रीष्म काल के अंत में, ग्रीष्म काल के अंत में, और मानसून पूर्व मानसून, मानसून से पहले वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है, इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जानते हैं, समझ गए, ब्लॉसम शावर्स, नॉर्वेस्टर नहीं, आइए आगे, आगे कहता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैंगो शावर्स, क्या कहते हैं मैंगो शावर्स, कुछ नहीं आम्र वर्षा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं आम्र वर्षा, मैंगो मने आम, शावर्स मने वर्षा। आगे वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, दीर्घ तरंग स्तरीय विकिरण से, कुछ नहीं होता है, देखिए क्या होता है, आप लोग को सूर्य की विकिरण आती है हमारे भारत में, भारत कहते हैं धरती पे, भारत में सूर्य की विकिरण आती है, वो वायुमंडल में यहाँ पे नीचे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, जैसे ही टकराती है सूर्य की विकिरण ऊपर जब जाने लगती है, आती है लघु तरंग के रूप में, और ऊपर जब जाने लगता है क्या हो जाता है दीर्घ तरंग, और दीर्घ तरंग में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड उस विकिरण को अवशोषित कर लेता है, उस विकिरण को क्या करता है अवशोषित कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर अवशोषित करता है तो वायुमंडल क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। इसी वजह से आप कहते होंगे सर ऊपर जाते हैं तापमान घटते जाता है, लेकिन जब तक हम सूर्य के तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होगा बढ़ेगा ना, लेकिन हम क्या पढ़ाएं कि जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तापमान क्या होते जाता है घटते जाता है, तो ऊपर से आती है लघु तरंग के रूप में, लेकिन लौकती किधर से है दीर्घ तरंग के रूप में, और वही दीर्घ तरंग अवशोषित कर लेता है कौन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गर्म कर हो जाता है, और इसी वजह से वातावरण आपका क्या लगता है गर्म लगता है। कहता है भारत क्या हुआ, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से, ये कौन कर रहा है, देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और झारखंड, या पूरा का पूरा जिला का ब्यौरा लीजिएगा ना, तब बिहार का मैप निकाला जाए और बिहार का मैप निकाल के दिखाएं, समझ गए, सब जिला बाय जिला, समझ गए, तो सिर्फ गिनिएगा, समझ गए, इसको देखिएगा मोबाइल रहा है ना सबको, मोबाइल में सर्च कीजिएगा बिहार का मैप विथ जिला, समझ गए, आएगा गिनिएगा कौन राज्य, एक से अधिक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकियों की ओर, मिर्जा चौकी की ओर कौन, अमरपाली रेलवे स्टेशन, अम्मा पाली, मिर्जा चौकी इधर है ना, किधर है जी मिर्जा चौकी, इधर है, इधर है सहरसा तरफ है, कहलगांव तरफ, फिर देखिए कर रहा है कहाँ है जी, भाग गया, समझ गए, चलिए सबसे लास्ट स्टेशन कौन सा है, अम्मा पाली। कहता बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चूना पत्थर कैमूर भगवा मुंगेर रोहतास जिले में पाया जाता है, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, देखिए जमुई जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं,
समझ गए, पाए गए हैं। उसके बाद आइए चूना पत्थर, कैमूर जिला, भगवा जिला, हाँ विंध्याचल की पहाड़ी है, विंध्याचल की पहाड़ी है, और विंध्याचल की पहाड़ी में, विंध्याचल की पहाड़ी को उसका कौन सा पहाड़ी कहते हैं, कैमूर पहाड़ी, और विंध्याचल की पहाड़ी में आपका चूना पत्थर पाया जाता है। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये आपका क्या है, गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई होगा आपका डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसको आप देख लीजिएगा, जुमई में इधरे पाया गया है सोना का बहुत बड़ा भंडार, पूरे भारत में सबसे बड़ा भंडार इधरे, समझ गए। तो आपका स्टेटमेंट सही है। अगला कहता है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है, मोहना और लीला जन नदी से। बिहार में देखिए आप बिहार का ज्योग्राफी और बिहार का हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा सर से, बता दे एज अ सब्जेक्टिव, हम बता देते हैं एज अ ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, समझ गए, सिर्फ वही वो क्वेश्चन बनेगा। हम बोल रहे हैं ये सब क्वेश्चन पता है, पता है नमो नहीं, बिहार का एकदम छोटा छोटा नदी है। कहता है बिहार में निम्नलिखित में से अभी समय है, फिर लास्ट समय आएगा ना उस समय रिविजन क्वेश्चन, क्वेश्चन कब होता है पता है, लास्ट समय जब महीना दिन बचता है, क्वेश्चन लीजिए पर्ट पर, सब्जेक्टिव अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन फिर डिस्कस करना पड़ता नहीं है। आइए टिक मारा हुआ है, आइए टिक मार दिए, अगर सब्जेक्टिव कर लिए फिर ऑब्जेक्टिव का टेंशन होता नहीं है, तो मेन सब्जेक्टिव है, समझ गए। चलिए बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली बार चाय बगानों की स्थापना, ठाकुरगंज में, कहां में, ठाकुरगंज में। आइए देखिए बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही दस्य क्रम 2001 का 11 छोड़िए जनगणना को। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, अनाज आधारित उद्योग, भारत बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा अनाजन होता है, मक्का होता है, गेहूं होता है, यही सब ना। अगला अगला कहता है उत्तर लेंस वाला, देखिए ऑब्जेक्टिव है, समझ गया। कहता है ध्वनि की तीक्ष्णता किससे, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से, ध्वनि की तीक्ष्णता किससे, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, फोटो वोल्टिक सेल। बॉल बेयरिंग के उपयोग में स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें प्रवृत्त करते हैं, रोलिंग घर्षण में, किस घर्षण में, रोलिंग घर्षण में, स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण, बॉल बेयरिंग गाड़ी सबका चक्का है ना उसमें लगता है बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग कहाँ लगता है, गाड़ी सबके चक्का के बीच में जहां पे उसका हुक रहता है इसे, तब ये इसे घूमता है, तो वही क्या है आपका रोलिंग घर्षण। फुटबॉल के खेल के मैदान में एक गोल कीपर फुटबॉल को गोल के पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे खींचता है, काहे जी, जब फिजिक्स पर आए ना, इसी वजह से। संवेग परिवर्तन की दर को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, क्या करने के लिए, कम करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, कौन सा, अल्फा कण। केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेवार है, केंद्र की ओर, कुछ नहीं, वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। केंद्र अभी केंद्रीय बल जानते हैं, अब केंद्रीय अभी केंद्रीय नहीं जानते हैं, अभी नहीं पढ़ा है, समझ गए। अभी केंद्रीय बल उसको बोलते हैं अगर कोई केंद्र की ओर चलता है, कोई केंद्र ऐसे खींच लिए, जैसे आप साइकिल चलाते हैं ऐसे झुकते हैं ना, झुकते हैं गिरते हैं, नहीं गिरते हैं, इसका मतलब आपको कोई ना कोई केंद्र की ओर एक बल खींच रहा है, कोई ना कोई एक केंद्र की ओर बल खींच रहा है। आप जानते हैं सूर्य के चारों ओर कौन लगा रहा है चक्कर, पृथ्वी, इसका मतलब पृथ्वी को सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य पृथ्वी कहते हैं, सूर्य पृथ्वी को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो वैसा बल अगर केंद्र के चारों ओर घूमे एक ही पथ पे, उसका कौन सा बल लगता है, केंद्राभिमुख बल, उसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, इसी का दूसरा नाम है केंद्राभिमुख, केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, केंद्राभिमुख बल। अगला निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है, घर्षण बल शामिल होता है, तो गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में घर्षण बल लगेगा, बैटरी में घर्षण बल लगता है, नहीं लगता है। स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा से कभी भी ध्वनि ऊर्जा में घर्षण बल का काम है, घर्षण बल का काम नहीं है, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का डायरेक्ट ब्रेक लगाइएगा तो गाड़ी का चक्का रुकेगा, पूरा का पूरा घर्षण होगा ना, उसका गर्मी पैदा होता है, देखिएगा धुआं निकल जाता है चक्का से निकलता है, तो वही कहता है जैसे हिस्सा आएगा पूरा का, कुछ नहीं, आप हाथ है ना, हाथ हाथ है, स्थिर है ना, गति मिलाइए, हाथ गर्म होता है तो आया उष्मा, नहीं आया। चलिए, एक बस सीधे रास्ते पे चल रही थी, अचानक दाई ओर तेज ओर मुड़ गई, समझ गए, तो आप किधर जाइएगा, बायां ओर, आगे जाइएगा, पीछे नहीं। हम कहते हैं गाड़ी अगर इधर चले जाए मोड़ दे, आप इधर झुका हुआ महसूस करते करते हैं ना, वही कहता है जब बाईं ओर चले जाए तो आदमी बैठा हुआ किधर महसूस करेगा, दाईं ओर, इधर बोल रहा है कि दाईं ओर जा रहा है, तो आदमी आदमी किधर झुका है, दाईं ओर, तो आप किधर जाइएगा, बाईं ओर, सीधा उल्टा, गाड़ी उधर तो आप इधर, नहीं बैठे बस पे,
बस पे बैठ के बोलिएगा एक बार एकदम झटका से मोड़िए एकदम 80 के स्पीड में, समझ गए? आप न दायां जाइएगा न बायां, आप कहां जाइएगा? सीधा ऊपर, समझ गए? चलिए आइए। कहता एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप में बांधता है, ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है। क्या अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ अपने सितार के स्ट्रिंग को क्या करता है? मिलाता है। मैथ है ना जी? हाँ मैथ है। है भाई न है? मैथ मैथ ना है, है तब वह हो गया, दो चार गुत है, क्या टेंशन है? यही ना बता रहे जी, यही ना। कहता पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या है? क्रिप्टन। उसके बाद कार्बन स्टील। कार्बन स्टील का एक रूप नहीं होता है, होता है कि नहीं? मिट्टी का तेल का द्रव का आकार और आयतन निश्चित होता है? नहीं होता। आयतन निश्चित नहीं होता? आयतन, आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। कहता है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है मिट्टी का तेल। होगा क्या? होगा। यह क्या कर रहा है? आयतन भी निश्चित होता है, आयतन निश्चित और आकार कोई निश्चित नहीं होता है, तो कौन सा होगा? ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित, और गैस का आकार आयतन दोनों अनिश्चित। तो इसका द्रव ये है, आप इसको याद रखिएगा। अगला कहता है कुछ धातु, आज हमको लगता है पढ़ाए सर, समझिए, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है? Al2O3ZN। वो कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस पढ़ाए हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, कौन? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और तो एक में से अधिक होगा। हम सब सुनते हैं, अब लोग टेंशन ना लीजिए। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते कौन सा? CO2। C OH को कौन सा अम्ल कहा? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। आपको तीन परत नली दी गई है, उनमें से एक से आसुत जल और अन्य दो में से एक अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन। इनमें से किसमें लाल लिटमस निकाला जा सकता है? क्षार में। एसेटिक अम्ल से कैसा गंध? सिरका। शुष्क HCl में शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होते हैं, इसी वजह से, समझ गए? चलिए आइए, मैथ उतना है। विषम पता कीजिए, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, फल का पकना। कहता है विषम प्रक्रिया, सीमेंट की सेटिंग बस रासायनिक और उस पर आधारित कर दीजिए। रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसके परिवर्तन होने के बाद पुनः आप उसको बना नहीं सकते। जैसे भौतिक अभिक्रिया, जैसे आप पानी को बर्फ में जमा दीजिए और बर्फ को फिर पानी बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। तो वो कौन सा अभिक्रिया है? भौतिक। और रासायनिक अभिक्रिया अगर आप उसको बना दिए तो उसको परिवर्तन कर सकते नहीं है। तो सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, कोयला जला दीजिएगा फिर कोयला बना पाइएगा? नहीं। फल को पका दीजिएगा फिर फल को कच्चा कर दीजिएगा? नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। कहता है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? उसके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उसके पास समान डिग्री की कठोरता है, बिल्कुल गलत है। उसकी विद्युत चालकता समान है, बिल्कुल गलत है। ग्रेफाइट आपका विद्युत का चालकता है और हीरे का ग्रेफाइट हीरा नहीं चलता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। कहता है किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? कोशिकाओं में पानी की मात्रा के आधार पर। कोशिकाओं में पानी की मात्रा, क्लोरोफिल यानी सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं, तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, कौन? लाल या नीला। कुछ ने प्रकाश संश्लेषण किन प्रकाश में ज्यादा होता है? लाल और ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कुछ नहीं, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्ध्य में अवशोषित करता है, क्लोरोफिल लाल या नीला में। लाल या नीला में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? कुछ नहीं, जब ज्यादा सूर्य तेज होता है। गैस स्टोव जलाए हैं, गैस स्टोव का लो कैसा होता है? लाल होता है कि नीला? नीला होता है। जैसे ही उसका गैस खत्म होने वाला कैसा हो जाता है? लाल होता है। तो दोनों प्रक्रिया बस याद रख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना या पेड़? बिल्कुल सही है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना। तो पौधा का क्या होता है? कठोर तना और पेड़। आधार नीचे से मोटा नहीं होता जी, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा। पौधा का आधार, जो आधार माने जड़, जड़ के पास तना कैसा होता है? मोटा, और शाखाओं के साथ होता है बड़ा हुआ।
वही क्या तप्ते निम्नलिखित कौन सा मेल सही नहीं है। कमजोर तना और सीधा खड़ा नहीं हो सकता है लता। कमजोर तना सीधा खड़ा होगा नहीं होगा। पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है। उपयुक्त में से एक सदी उपयुक्त आधार के पास आधार जड़ के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। कठोर तना और पेड़ शाखाओं के साथ मोटा, ये आपका डाउट है समझ गए, देख लीजिएगा इस सर से आप कर लीजिएगा बायोलॉजी वाले सर से समझ गए। कहता है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी, संक्षण पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। किसके कारण? वाष्पोत्सर्जन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृति के योग्य बनाता है? कौन सा? डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति में। बायोलॉजी पढ़ाए ना जी? हाँ जवाब दे रहे तो नहीं बन रहा, स्टैंडर्ड हाई हो गया क्या? चलिए, कहता है कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, क्या कहते हैं उसको? कार्टिलेज। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर कौन सा होता है? शैवाल और कवक। कहता मादा अनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अंतःस्तर के साथ एक कोण पर। शरीर की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा? लिम्फोसाइट। प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही? मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी सख्त और मोटी हो जाती है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। कथन कौन सा कथन गलत है? केवल यहां लिख दिया ये गलत है समझ गए, किसी कूट भाषा में मैथ है आपका समझ गए ठीक है। आइए अब सबको